अपन स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंजरीज अराउंड द एल्बो। एल्बो जॉइंट के अराउंड में जो भी इंजरीज होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर आता है पहला एक फ्रैक्चर, सुप्रा कोंडाइला फ्रैक्चर ऑफ द होमरस। तो अपन होमरस का एक डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पर एक होमरस है जहाँ पर ऊपर वाला अपर पार्ट और इसका लोअर पार्ट है। यहाँ ऊपर की तरफ हेड प्रेजेंट है और जो एल्बो का जो जॉइंट बनाता है ना वो इसका लोअर पार्ट बनाता है। ठीक है, तो इंजरीज होगी तो इसी एरिया में हो गई होगी। तो यहाँ पर कौन कौन से एरियाज में क्या क्या नाम है इनके, एक तो है मिडिल एपिकोंड्रियल, मिडिल साइड प्रेजेंट होगी, लेटरल एपिकोंड्रियल लेटरल साइड प्रेजेंट होगी, यहाँ पर कैपिटुलम प्रेजेंट है, यहाँ पर ट्रोक्लिया प्रेजेंट है और यहाँ पर कोरोनोइड प्रोसेस है। ये सारे पार्ट सुप्रा कोंडाइलर फ्रैक्चर के अंदर इंक्लूड होंगे। यहाँ पर डेल्टो ट्यूबुलोसिटी, यहाँ पर डेल्टोइड अटैच होती है। ऊपर की तरफ अपन देखें तो यहाँ पर लेसर ट्यूबरकल है, यहाँ पर ग्रेटर ट्यूबरकल है, एनाटोमिकल नेक है, सर्जिकल नेक। तो इस तरह से पूरी हुमरस होती है। यहाँ पर एक साफ बोन है, ये एक टिपिकल लॉन्ग बोन होती है। तो यहाँ पर है सुप्रा कोंडाइलर फ्रैक्चर, जो कुबिक कोंडाइल्स प्रेजेंट होती है वहाँ पर एपिकोंडाइल्स, उसके ऊपर जो जहाँ पर एक फ्रैक्चर होगा जिसे अपन कहेंगे सुप्रा कोंडाइलर फ्रैक्चर। ये अपन को देखने को मिलता है जनरस में, अपन को ज़्यादा देखने को मिलता है और ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है। और ये वाला जो फ्रैक्चर होता है ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है बॉडी में। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि किस कारण से होता है। फॉल ऑन एट आउट स्ट्रेच हैंड, अगर कोई आउट स्ट्रेच हैंड से गिरता है या फिर उसकी जो एल्बो है वो फर्श से टकराती है, तो उस कारण से अपन को ये फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। और ग्राउंड पर टच, अगर वो ग्राउंड पर गिरता है उसके हैंड पहले स्ट्राइक कर रहा है, तो उस कारण से भी अपन को देखने को मिल सकता है ये फ्रैक्चर। उसके बाद है एल्बो इज फोर्स्ड इंटू हाइपर एक्सटेंशन, अगर वो हाइपर एक्सटेंशन से गिरता है तो उस कारण से भी अपन को हो सकता है फ्रैक्चर हुमरस अबो कोंडाइल्स, कोंडाइल्स के ऊपर जो फ्रैक्चर हो सकता है जिसे अपन कहते हैं सुप्रा कोंडाइलर फ्रैक्चर। ठीक है, तो उसके बाद आती है इसके पैथोएनाटमी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके पैथोएनाटमी में जो फ्रैक्चर लाइन होती है ना वो एक्सटेंड्स करती है ट्रांसवर्सली थ्रू द डिस्टल मेटाफाइसिस ऑफ हुमरस। हुमरस का जो डिस्टल मेटाफाइसिस है वहाँ पर ट्रांसवर्सली थ्रू करती है जस्ट अबव द कोंडल, जो कोंडल्स के ऊपर होता है। अपने बोला कोंडल्स के ऊपर जो जिस लाइन में ट्रांसवर्स लाइन में जो फ्रैक्चर होगा वो होगा सुप्रा कोंडलर फ्रैक्चर। तो यहाँ पर वो बताया गया है कि फ्रैक्चर लाइन के बारे में। उसके बाद आते हैं इसके कुछ टैप्स, कि कितने टैप्स से अपन को देखने को मिल सकता है। तो अपन इसको टू टैप से देख सकते हैं, एक्सटेंशन टैप एंड फ्लेक्शन टैप, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टल फ्रेगमेंट्स। इसके जो डिस्टल फ्रेगमेंट्स आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया है, तो ये वाला तो है एक्सटेंशन टैप और ये फ्लेक्शन टैप। ये अपन को कितने परसेंट लोगों में देखने को मिल सकता है, अगर मान लो किसी में सुप्रा कोंडाइलर फ्रैक्चर हुआ है तो अपन को 80% तो देखने को मिलेगा एक्सटेंशन टैप एंड 20% देखने को मिलेगा फ्लेक्शन टैप। और अपन ने इसको डिवाइड किया है डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे। तो इसके अंदर क्या हो रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो एक्सटेंशन टाइप है ना इसमें होगा जो डिस्टल फ्रेगमेंट्स है वो एक्सटेंडेंट हो जाएंगे और जो इसके अंदर जो फ्लेक्शन टाइप है वो फ्लेक्स्ड हो जाएंगे। ये होगा बैकवर्ड, आप देख सकते हो ये बैकवर्ड जा रहा है, और ये होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आप इनकी देख सकते हो ये इस तरह से है थोड़ा और ये इस तरह से, आपको इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो ये वाला है ना वो टिल्टेड बैकवर्ड, मतलब पीछे की तरफ थोड़ा टिल्ट होगा, और ये वाला टिल्ट होगा फॉरवर्ड टिल्ट होगा। देख सकते हो ये पीछे की तरफ ज़्यादा जा रहा है और ये थोड़ा आगे की तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ये तो इन दोनों में आप डिफरेंसेस देख सकते हो। तो इन रिलेशन टू द प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट, यहाँ पर प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट की बात हो रही है इन दोनों में, तो अपन इन दोनों के रिलेशन में बात कर रहे हैं कि ये चला जाएगा बैकवर्ड और ये चला जाएगा फॉरवर्ड। यहाँ पर डिस्टल फ्रेगमेंट्स हैं और किससे कंपेयर कर रहे हैं अपन, प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट्स हैं। प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट मतलब जो ऊपर वाला पार्ट, और डिस्टल फ्रेगमेंट जो बोर्ड से दूर है डिस्टल साइड पे वो डिस्टल फ्रेगमेंट। तो पहले अपन ने देखा कि पैथोएनाटमी में अपन ने इसके टैप्स देखे, अब देखेंगे इसके डिस्प्लेसमेंट की किस किस तरह से हो रहा है। तो अपन ने दो एक्सरे करवाया, जिसके अंदर अपन ने करवाया एक एंटेरो पोस्टीरियर व्यू जिसके अंदर अपन देख रहे हैं, एक करवाया लेटरल व्यू। लेटरल व्यू में अपन देख सकते हैं कि अपन ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रहा है। तो इन दोनों में अपन को क्या क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर अपन को देखने को मिलेगा प्रोक्सिमल लेटरल मीडियल शिफ्ट एंड मीडियल टिल्ट, अपन को ये इसके अंदर देखने को मिलेगा। और इस वाले में लेटरल व्यू में अपन को देखने को मिलेगा प्रोक्सिमल डोर्सल शिफ्ट एंड डोर्सल टिल्ट। ओके, अब अपन नीचे बात करेंगे कि कौन कौन से डायरेक्शन में ये फ्रेगमेंट्स है वो डिस्प्लेस्ड हो सकते हैं। एक हो सकता है पोस्टीरियरली एंड बैकवर्ड शिफ्ट,
पोस्टीरियर मतलब पीछे, और बैकवर्ड मतलब भी पीछे, मतलब पीछे की साइड, मतलब पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसमें क्या होगा ना, इसमें शिफ्ट तो हो गया पीछे और ये टिल्ट भी हो गया। उसके बाद है प्रोक्सिमल शिफ्ट, और उसके बाद है मीडियल एंड लेटरल शिफ्ट, और शिफ्ट होने के बाद मीडियल सेल टिल्ट भी हो गया, और हो गया इसका इंटरनल रोटेशन। ओके, तो इस तरह से आपको ये याद करने पड़ेंगे। अब इसके बाद अब इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, तो इसका अपन डायग्नोसिस करेंगे तीन तरह से। तो पहला है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स अपन देखेंगे, उसके बाद इसका एग्जामिनेशन करेंगे, और उसके बाद अपन करेंगे इसका रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ओके, तो अपन पहला है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। तो मान लो अपने पास कोई बच्चा है, वो हॉस्पिटल में आया, तो हॉस्पिटल में आने के बाद अपन देखेंगे कि उसके अंदर कोई हिस्ट्री हो सकती है, फॉल होने की हिस्ट्री हो सकती है, जिस कारण से उसका फ्रैक्चर हो गया। तो अपन को उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर अपन को देखने को मिलेगा उसको पेन होगा, जिस एरिया में उसको चोट लगी है, जिस एरिया में उसको फ्रैक्चर हुआ है। उसके बाद स्वेलिंग देखने को मिल सकती है अपन को, उसके बाद डिफॉर्मिटी अपन को देखने को मिलेगी, और अपन को ये देखने को मिलेगा कि वो अपना जो जॉइंट है वो मूव नहीं कर पा रहा है। ओके, तो अपन इस तरह से इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ऑन एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के अंदर तो अपन दो तरह से एग्जामिनेशन कर सकते हैं, तो अपन ये दोनों चेक करेंगे उसके अंदर। ये अपन दोनों चेक कर पाएंगे जब अगर अपने पास कोई पेशेंट आया जिसके अंदर जिसे चोट लगी और वो तभी आ गया, मतलब अर्ली टाइम में आ गया। उसके बाद अपन देखेंगे लेट लेट आएगा वो अपने पास ट्रीटमेंट कराने, तो उसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा। तो ये दोनों अर्ली वाले, तो उसके अंदर अपन को देखने को मिलेगा अनयूजल पोस्टेरियल प्रोमिनेंस अपन को देखने को मिलेगा उसके। तो अपन ने देखा था ना, वो तो एल्बो पीछे की तरफ जा रहा था उसका, तो बेकवल टिल्ट अपन को देखने को मिलेगा। फॉर डिस्टल फ्रेगमेंट, डिस्टल फ्रेगमेंट जो थे नीचे वाले जो पार्ट थे उसका बेकवर्ड टिल्ट अपन को देखने को मिलेगा। जो टिप ऑफ ओलेक्रेनम अपन को देखने को मिल सकता है, अपन उसको एग्जामिनेशन करेंगे तब। उसके बाद है फ्रैक्चर इज अबोव द कॉन्डाइल्स, कॉन्डाइल्स के ऊपर अपन को फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। थ्री बोनी पॉइंट मेंटेन नॉर्मल एल्बो। ओके, उसके बाद आता है अगर कोई अपने पास लेट आया, तो उसके अंदर अपन को देखने को मिलेगा कि उसकी जो स्वेलिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, और स्वेलिंग बढ़ने के कारण अपन को ये चीज़ें उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो अपन को देखने को मिलेगा जब अपन फील करेंगे, जब पता लगेगा। लेकिन स्वेलिंग ज़्यादा होगी तो अपन कैसे पता लगाएंगे उसके ऊपर, तो जहाँ फ्रैक्चर है वहाँ तो स्वेलिंग स्वेलिंग हो गया, तो अपन देख के पता नहीं लगा सकते। तो लेट में क्या होगा, स्वेलिंग है वो बढ़ जाएगी, तो उसको है ना डिफिकल्ट हो जाएगा अपने लिए पता लगाना कि वहाँ पर क्या हो रहा है। डिफिकल्ट टू अप्रिसिएट दिस साइंस, क्लिनिकल डायग्नोसिस डिफिकल्ट। तो अपन जो भी क्लिनिकल डायग्नोसिस कर रहे हैं ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर कोई अपने पास लेट ट्रीटमेंट लेने आता है तो। तो फिर अपन को क्या है ना, अपन को कुछ ऐसी चीज़ें जो अपन को ध्यान रखनी पड़ती है, अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं जब उसका एग्जामिनेशन कर रहे तब, तो अपन को केयरफुली चेक करना है कि जो ब्रेकल आर्टरी है उसकी इंजरी हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि इस कारण से क्या हो सकता है ना, इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द डिस्टल एक्सट्रीमिटी, जो कि डिस्टल एक्सट्रीमिटी होती है ना वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट हो सकती है ब्रेकियल आर्टरी की इंजरी के कारण। तो अपन को चेक जरूर करना है कि इसकी इंजरी हुई है या नहीं हुई है, और हुई है तो इसका जल्द से अपन को ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। रेडियल एंड अल्नर पल्स में भी एबसेंट एबसेंट हो सकती है, क्योंकि ये इसी एरिया से जो एल्बो है उसके आसपास से सारी नर्व्स वगैरह निकलती है, तो रेडियल और अल्नर नर्व की पल्स अपन को चेक करनी है। मीडियल नर्व एंड रेडियल नर्व की इंजरी अपन को देखने को मिल सकती है, तो इस कारण से अपन को पॉइंटिंग इंडेक्स देखने को मिल सकता है। अगर रिस्ट नर्व की, सॉरी रेडियल नर्व की इंजरी हुई है, तो उस कारण से अपन को रिस्ट ड्रॉप देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसी एरिया से एल्बो है उसके उसी के आसपास से दोनों नर्व से, सॉरी नर्व से निकल के आगे जाके सप्लाई करती है। उसके बाद आता है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो इसका रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन अपन कैसे करेंगे, ये तो इसका एग्जामिनेशन करना काफ़ी इजी हो जाता है बिकॉज ऑफ वाइल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसका वाइल्ड डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो अपन इसका एग्जामिनेशन थोड़ा अच्छे से कर पाएंगे। और मान लो कि अगर वहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है और वहाँ पर ऑसिफिकेशन सेंटर्स अपन को देखने को मिल सकते हैं, अगर वहाँ पर प्रेजेंट है एल्बो के आसपास, तो इसका डायग्नोसिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ओके, तो अपन इसके लिए एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे ऑफ द ऑपोजिट एल्बो, ऑपोजिट एल्बो के साथ अपन इसको कंपेयर करेंगे। तो इसके इसके मतलब इसके लिए अपन कंपेयर करेंगे, तो अपन को इजीली पता लगेगा कि क्या एल्बो में हो रहा है क्या नहीं, तो अपन को इससे हेल्प मिलेगी ट्रीटमेंट करने के लिए। और उसके अपन ने पहले देखा था कि अपन ने इसके वो करवाए थे, अपन ने एंटेरो पोस्टल व्यू और लेटरल व्यू देखे थे, तो ये बिल्कुल सेम है इस वाली जगह पर भी अपन एग्जामिनेशन कराया वहाँ पर भी,
यहाँ पर भी एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है, लेटरल व्यू है, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। प्रोक्सिमल शिफ्ट हो जाएगा मीडियल एंड और लेटरल शिफ्ट हो जाएगा, मीडियल डी टिल्ट हो जाएगा इन रोटेशन ऑफ डिस्टल फेगमेंट। जो डिस्टल फेगमेंट है वहाँ पर रोटेशन अपने को देखने को मिलेगा। उसके बाद लेटरल व्यू में क्या देखने को मिलेगा, प्रोक्सिमली शिफ्ट, पोस्टीरियर शिफ्ट, पोस्टीरियर टिल्ट, यहाँ पे मीडियल टिल्ट हो रहा था, यहाँ पोस्टीरियर टिल्ट हो गया, रोटेशन ऑफ डिस्टल फेगमेंट। और डिस्टल फेगमेंट्स है मतलब टिल्ट, तो दोनों मतलब अपन बात तो एक ही फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन अपन को दोनों के अंदर थोड़ा अलग अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो अपन देख रहे हैं एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू और यहाँ पर लेटरल व्यू। ओके, तो अपन को इसमें इस तरह से देखने को मिलेगा और इसके अंदर अपन को इस तरह से देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो अपन को पता है अपन ने जितने भी फ्रैक्चर पढ़ा तो उसके अंदर सबके अंदर यही था कि ट्रीटमेंट अपन ओपन रिडक्शन करा सकते हैं, इंटरनल सॉरी ओपन रिडक्शन करा सकते हैं, क्लोज रिडक्शन करवा सकते हैं, और इंटरनल फिक्सेशन अपन लगवा देंगे, मोबिलिटी एक्सरसाइज वगैरह करवाएंगे, उसको रिहेबिलिटेशन देंगे। तो ये सब भी होता है, ये सब अपन इसके अंदर भी पढ़ेंगे, क्लोज रिडक्शन, ओपन रिडक्शन, ये सब पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर और डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो इसके अंदर क्या करेंगे ये अपन देखेंगे अब। तो अगर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो इसको ट्रीट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसके अंदर वो क्या करना पड़ेगा, इमोबिलाइजेशन इन अ अबो एल्बो, जो अबो एल्बो है ना उसको इमोबिलाइजेशन अपन उसको करवाएंगे, एंड एल्बो प्लास्टर स्लैब अपन उसको देंगे विथ एल्बो इस 90 फ्लेक्स, जो एल्बो इसको अपन 90 डिग्री पर फ्लेक्स्ड करके उसको प्लास्टर स्लैब देंगे, उसका इमोबिलाइजेशन करवाएंगे। और अगर डिसप्लेस्ड फ्रैक्चर है तो उसके अंदर अपन क्या करवाएंगे, तो मान लो किसी चिल्ड्रन को डिसप्लेस्ड फ्रैक्चर हो गया, अपन ने देखा था कि सबसे ज़्यादा अपन को ये चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है, तो शुड बी एडमिटेड, अपन उसको एडमिट कर लेंगे हॉस्पिटल में, बिकॉज जो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस अपन को देखने को मिल सकते हैं 24 फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर। तो अपन उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लेंगे तो उसको अपन को ट्रीट करना इजी हो जाएगा। अगर जैसे से अपन को साइनस सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कुछ, अपन उसको जल्दी से ट्रीट कर देंगे। तो इसके काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि अपन आगे देखेंगे, जो कि अपन सारे फ्रैक्चर्स में देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये तो अपन ने लोअर लिम्ब में देखा था। तो अपर लिम्ब में अपन को देखने को मिलेगा कि रिस्ट ड्रॉप हो गया या इंडेक्स फिंगर हो गया, तो इस तरह के काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि अपन देखेंगे। तो अनडिसप्लेस्ड फ्रैक्चर है तो ये अनडिसप्लेस्ड हो गया तो इसका अपन को रिडक्शन तो करवाना ही पड़ेगा, रिडक्शन बिना तो अपन इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं, तो इसके मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं इसको ट्रीटमेंट कराने के, क्लोज रिडक्शन, ओपन रिडक्शन, एंड परकुटेनियस के वायर फिक्सेशन एंड के वायर फिक्सेशन। तो ये दो हो गए, उसके बाद ही कंटिन्यूशन ट्रैक्शन, कंटिन्यूशन ट्रैक्शन देंगे अपन इसको ट्रीट करेंगे। तो पहला आता है अपना क्लोज रिडक्शन एंड परकुटेनियस के वायर फिक्सेशन। तो पहले तो अपन इसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसका इसको रिड्यूस करना तो इजी होता है, लेकिन कभी कभी मतलब बहुत सी टाइम ये स्लिप हो जाता है, तो इसको स्लिप होने से बचाने के लिए इसका ट्रीटमेंट कर उसके लिए बेस्ट होता है कि तो 1 और 2 के वायर अपन इसके अंदर फिक्स कर दें, ये बेस्ट होता है इसके लिए। अगर ये स्लिप हो जाए ना, स्लिप मतलब रिडक्शन करवा दिया तो रिडक्शन करने के बाद भी स्लिप हो गया तो अपन इसके लिए के वायर इसके अंदर फिक्स कर देते हैं। तो फिक्स किस तरह से करेंगे, पास्ट परकुटेनियसली अंडर इमेज इंटेंसिफाई गाइडेंस के थ्रू अपन उसके अंदर ये डालेंगे। ओके, वेयर अगर जिस जगह पे जिस हॉस्पिटल में ये अवेलेबल नहीं होता तो अपन वहाँ पे प्लास्टर फ्रैक्चर पोजीशन इज प्लास्टर वॉच मस्ट, तो अपन उसको उसको बार बार चेक करते रहते हैं प्लास्टर के साथ। ओके, फिर इसके बाद इसके कुछ टेक्निक्स है कि जो रिडक्शन हुआ है मतलब अपन जो रिडक्शन करवा रहे हैं उसकी क्या क्या टेक्निक हो सकती है, मतलब किस तरह से अपन रिडक्शन करवा रहे हैं। तो इसकी टेक्निक्स है कुछ, जैसे पहले अपन इसको ट्रैक्शन करवाया, उसके बाद आएगा फ्लेक्शन इन ट्रैक्शन, उसके बाद आएगा प्रेशर ओवर द ओक्लेरियम। तो ये तीन तरह के इसके अंदर है स्टेप्स। तो इसके अंदर पहला स्टेप है तो ट्रैक्शन को समझने के लिए पहले अपन ये पिक्चर देखते हैं। यहाँ पे अपन ये एल्बो है, यहाँ पर ट्रैक्शन दे रहे हैं, तो दोनों तरफ से दो पर्सन्स ने इसको पकड़ा हुआ है और इसको दोनों तरफ से खींच रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में और एक वाला इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ट्रैक्शन आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना, एल्बो फ्लेक्स्ड 30 to 40 डिग्री, 30 to 40 डिग्री अपन इसको फ्लेक्स्ड किया, 2 मिनट ट्रैक्शन अप्लाई, और 2 मिनट तक अपन इसको ट्रैक्शन में रखेंगे। रजिस्टेंस काउंटर ट्रैक्शन आर्म,
उसके तो रजिस्टर जो रेसिस्टेंट होता है, असिस्टेंट होता है, तो वो काउंटर ट्रेक्शन देगा आर्म पर। उसके बाद एल्बो ग्रेजुअली एक्सटेंडेड, जो एल्बो है उसको अपन एक्सटेंडेड करेंगे। तो आप इसको एग्जाम में इस तरह से एरो लगा के भी लिख सकते हो, इसके नीचे ऐसा, फिर उसके बाद ऐसा, उसके बाद ऐसा, फिर उसके बाद फोर आर्म फुल सुपिनेटेड। फिर इस तरह अपन फोर आर्म को फुल सुपिनेटेड करेंगे। उसके बाद इसको करेक्ट करेंगे प्रोक्सिमल डिस्प्लेसमेंट को एंड मीडियल लेटरल एपिक डिस्प्लेसमेंट को। तो आपको ये ट्रैक्शन समझ आया होगा। अब उसके बाद आता है दूसरा, फ्लेक्शन इन ट्रैक्शन। तो आप ये डायग्राम देख सकते हो, एक हैंड यहाँ एल्बो के पास है जहाँ पे अपन ने थंब लगाया हुआ है, और दोनों तरफ ट्रैक्शन दे रहे हैं, और जो एल्बो की जो पोजीशन थी वो अपन ने चेंज कर दी है। तो अपन इसका रिडक्शन किस तरह से करेंगे, सेकेंड स्टेप्स है। पहले अपन ऐसा किया, फिर अपन ऐसा करेंगे, उसके बाद अपन नीचे वाली प्रोसेस करेंगे। इस तरह से अपन को करना है। तो सेकेंड वाले में हैंड मेंटेन, अपन को हैंड को मेंटेन करना है ट्रैक्शन देकर। उसके बाद अपर आर्म इज ग्रेस्ड विद अदर हैंड, ठीक है, उसके जो अपर आर्म है उसको ग्रेस्ड करना है अपन को अदर हैंड से। प्लेसिंग द फिंगर ओवर द बाइसेप्स, जो बाइसेप्स होते हैं वहाँ पे अपन को जो फिंगर्स है वो रखनी है। थंब रेस्ट ऑन द ओलेक्रेनम, जो ओलेक्रेनम है वहाँ पे अपन को थंब को लगाना है। उसके बाद एल्बो इज नाउ फ्लेक्स्ड स्लोली, और जो एल्बो है उसको अपन को धीरे धीरे स्लोली फ्लेक्स्ड करना है। उसके बाद यूजिंग द हैंड विथ विच ट्रैक्शन इज अप्लाई, ट्रैक्शन अपन को अप्लाई करते रहना है। फ्लेक्स द एल्बो कंटिन्यूसन ट्रैक्शन, उसके बाद जो अपन जो ट्रैक्शन देते हुए है उसको फ्लेक्स करेंगे एल्बो को, और उसके बाद मेंटेन्ड इन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फोरआर्म। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि पहले ये ऐसे था, फिर अपन इसको धीरे धीरे फ्लेक्स किया। यहाँ पे अपन ने थंब लगाया हुआ है ओलेक्रेनम के पास, और यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे। अब उसके बाद आता है पुश विथ थंब, ये इसका नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट स्टेप है। तो अपन अब देखेंगे इसका नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर है प्रेशर ओवर द ओलेक्रेनम, तो ओलेक्रेनम है वहाँ पे अपन प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि वो अपनी जगह पे वापस चला जाए। तो प्रेशर द ओलेक्रेनम फॉरवर्ड इंटू फ्लेक्शन, ट्रैक्शन मेंटेन बिलो इज फ्लेक्स्ड टू बियॉन्ड 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो अपन ने जो एल्बो है उसको 90 डिग्री पर ले आया है, और अपन इसका फिर भी, और यहाँ पर अपन ट्रैक्शन दे रहे हैं दोनों तरफ, और जो थंब है ये इस थंब के थ्रू अपन इसको प्रेस कर रहे हैं अंदर की तरफ, ताकि जो डिसप्लेसमेंट हुआ था ना वो वापस अपनी जगह पे चला जाए। तो ये होता है डिसप्लेसमेंट के स्टेप्स क्लोज रिडक्शन के। तो इसके अंदर भी अपन को कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे रेडियल पल्स। जब अपन रिडक्शन करते हैं ना, तो रिडक्शन करने के बाद अपन को चेक करना होता है कि जो रेडियल पल्स है वो अपन को फील हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो अपन ने देखा ना यहाँ पे कि अपन को फील होनी चाहिए, अगर वो फील होगी तो अपन समझ जाएंगे कि हाँ उसका ठीक से रिडक्शन हुआ है। लेकिन मान लो ये फील नहीं हो पा रही है अपन को जो पल्स है, तो अपन उसका दोबारा फिर उसका रिडक्शन करेंगे। ओके, तो अपन रिडक्शन करके करने के बाद अपन को फिर से फील करना है कि वो पल्स है वो दोबारा आई है नहीं आई है। अगर वो आ जाती है तो अपन उसके बाद उसके ऊपर स्लैब अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़रूरी होता है रेडियल पल्स को फील करना, अगर ये फील नहीं होगी और ये रुक जाएगी तो अपन को रिस्ट्रोप हो सकता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है इसका ट्रीटमेंट। प्रोसिबल फ्लेक्स द एल्बो बियॉन्ड 90 डिग्री, अगर 90 अपन को फ्लेक्स्ड करना है एल्बो को 90 डिग्री तक, उसके बाद जो भी अपन को लॉक करना है उसको, उसके बाद ही अपन उसको कुछ स्लेब्स वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद है पेरिओस्टियम ट्राइसेप्स ऑन द डोर्सल एक्सपेट जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहाँ पर अपन इंटरनल स्प्लिन अपन उसको लगा देंगे, उसका स्टेबिलिटी उसको करने के लिए, स्टेबल उसको करने के लिए रिडक्शन को, क्योंकि अपन ने रिडक्शन कर दिया लेकिन वो फिर से स्लिप हो सकता है। तो अपन ने उसके लिए उसके वहाँ पर इंटरनल स्लिप, सॉरी जो ये होता है ना वो इंटरनल स्प्लिन की तरफ वर्क करता है, ठीक है, जो कि जो अपन रिडक्शन किया है ना उसको मेंटेन कर सके, जो कि होता है बाइसेप्स डोर्सल एस्पेक्ट पर जो प्रेजेंट होती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो इंटरनल स्प्लिन्स की तरह जो वर्क कर रहा है वो ये वाला है। उसके बाद अपन इसको इस तरह से पोजिशन में ले आएंगे। तो उसके बाद इन दिस पोजिशन, जो कि मैंने पोजिशन आपको अभी दिखाई है, उसके अंदर अपन पोस्टरियर स्लैब्स है वो प्रोवाइड करवा देंगे फॉर 3 वीक्स के लिए। नेसेसरी नेक चेक, तो ये नेसेसरी है कि अपन को चेक करते रहना है एक्सरे के थ्रू कि हीलिंग हुई है या नहीं हुई है। एक्सरे आफ्टर 4 आवर्स के बाद अपन को चेक करना है, और आफ्टर 1 वीक के बाद अपन को चेक करना है
री डिस्प्लेसमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ, तो इस तरह से। और अगर मान लो री डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ ठीक से, वो अपनी जगह पर ही है, नहीं हुआ मतलब वो सही है, तो अपन वहाँ पर जो आफ्टर 3 वीक के बाद अपन जो प्लास्टर से अपन लगाया है वो अपन इसको रिमूव कर लेंगे। तो अपन ने देख लिया कि क्लोज डिडक्शन वाला अपन ने देख लिया। अब अपन देखते हैं ओपन डिडक्शन। अगर मान लो क्लोज डिडक्शन के बाद भी वो कंडीशन ट्रीट नहीं हो पा रही, वो या फिर उसका डिडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसके बाद अपन करेंगे उसका ओपन डिडक्शन। तो ओपन डिडक्शन आल्सो यूज एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन सम ओपन फ्रैक्चर। तो अपन उसका ऑपरेशन सॉरी उसका ओपन फ्रैक्चर है तो उस कंडीशन में अपन इसका ओपन रिडक्शन कर सकते हैं उस कंडीशन में। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो ब्रेकियल आलसी फॉर ससेप्टिबल इंजरी, तो मान लो ओपन फ्रैक्चर है तो उसके लिए रिक्वायर होता है एक्सप्लोरेशन ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी ऑफ द ससेप्टेड इंजरी। और इसके अंदर अपन के वायर फिक्सेशन का भी यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है थर्ड कंटिन्यूशन ट्रैक्शन। ये थर्ड ट्रीटमेंट है कि अपन इस तरह से भी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक है अगर एक्सेसिव स्वेलिंग है यहाँ पे बेड वुंड्स वहाँ पे प्रेजेंट है अराउंड जॉइंट एल्बो जॉइंट के अराउंड में, तो अपन उसको ट्रैक्शन देंगे। और ट्रैक्शन देने के साथ साथ जो के वायर है उसको पास थ्रू द ओलेक्रेनम, इस तरह से अपन उसको के वायर उसको लगा देंगे। तो ओलेक्रेनम को अपन ट्रैक्शन देके इस तरह से ट्रीट करते हैं तो अपन उसको कहते हैं स्मिथ ट्रैक्शन। और बिलो एल्बो स्किन ट्रैक्शन देते हैं तो उसको अपन कहते हैं डनलॉप्स ट्रैक्शन। तो इसको अपन को यूज़ करना है ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन अब इसको ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना है, ये बात जरूर याद होनी चाहिए, नो लॉन्गर यूज्ड। तो अपन ने देख लिया इसके ट्रीटमेंट्स। तो ट्रीटमेंट के बाद अपन देखेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस अपन देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।